आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था रोमानिया का वीजा प्रोसेस को लेकर के, रोमानिया का रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के, क्योंकि अभी अभी ये संजन में आया है और इस वजह से यहाँ का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुआ है दोस्तों, जैसे कि सैलरी, ड्यूटी आवर्स, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है, ओवर टाइम का क्या रूल्स हैं, अगर आप सीख हो गए ठीक है उसका क्या रूल्स हैं, साल में कितने दिन का छुट्टी मिलता है, टोटल प्रोसेस का खर्चा कितना होता है, कितना दिन का समय लगता है, तो इस तरह का तमाम क्वेश्चंस अभी आ रहे थे दोस्तों। और इसीलिए आज के वीडियो के माध्यम से तमाम जो भी आपका क्वेश्चंस थे उसका समाधान लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है रोमानिया में जॉब्स को लेकर के, वीजा प्रोसेस को लेकर के, खर्चा को लेकर के, वो क्लियर हो सके। तो आप भी अगर जॉब सीकर हैं, रोमानिया जाना चाहते हैं, रोमानिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आधा से ज़्यादा लोग तो रिसर्च ही नहीं करते जब वो विदेश जाने का सोचते हैं। हालांकि जब भी आप सोचते हैं विदेश में जाकर काम करने का, तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च आपको पता चलेगा, कंपैरिजन आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा देश आपके लिए बेहतर हो सकता है, कहाँ आपको वीजा जल्दी मिल सकता है, कहाँ का वीजा परसेंटेज ज़्यादा है, कहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगा, तो इस तरह का तमाम जो भी डाउट्स हैं आपको रिसर्च करना चाहिए। हालांकि मैं इस चैनल पे आपके लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया एक बेहतरीन देश है दोस्तों। हालांकि ये पहले शेंजन में नहीं था, यूरोपियन पार्ट में था, लेकिन अब शेंजन में आ चुका है, और शेंजन में आने की वजह से यहाँ का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो चुका है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ का वीजा प्रोसेस कितना दिन का समय लगता है। तो दोस्तों, पहले यहाँ का वीजा प्रोसेस 1 से 1.5 महीने के टाइम में हो जाया करता था, लेकिन अब कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग रहा है। बात करें सैलरी का, तो सैलरी पहले यहाँ पर 450 से 600 यूरो मिला करता था, और अब 700 से 1000 यूरो मिलना चालू हो चुका है। पहले यहाँ का ड्यूटी आवर्स 12 घंटा 13 घंटा हुआ करता था, लेकिन अब शेंजन जोन के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका जो ड्यूटी आवर्स है वो 8 घंटा होगा, और सप्ताह में 5 दिन होगा, यानी कि 40 से 42 घंटा आपको सप्ताह में काम करना है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, और ओवर टाइम का जो पेमेंट है विद इन 60 डेज कंपनी हैज टू पे, ये वहाँ का रूल है, ठीक है। हालांकि वो लोग हर महीना पे कर देते हैं, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा आपका पेमेंट को रोक कर नहीं रखा जा सकता अगर आप ओटी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। सैलरी आपको हर महीना मिल जाता है, ड्यूटी आपको 8 घंटा ही करना है। अगर ड्यूटी डेज बताएं महीने का, तो 8 दिन आपका ऑफ हो जाता है और 22 दिन आप काम करते हैं। रही बात, बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि जैसे इंडिया में सीएल है, पीएल है, सिक लीव भी मिलता है, क्या वहाँ पर मिलता है? तो बता दूँ, साल में आपको 20 दिन यानी 20 डेज पेड लीव मिलता है, एनुअल लीव, ठीक है। और बात करें सिक लीव का, तो सिक लीव ऐसे नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, अगर आपको बीमारी हो गया, आप बीमार पड़ गए, 5 दिन तक का सैलरी आपको 75 से 100% आपको सैलरी दिया जाता है। अगर 5 दिन से ऊपर अगर बीमार हैं तो कंपनी पे नहीं करती दोस्तों, आपका नाम पे एक इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के माध्यम से वहाँ का गवर्नमेंट आपको पे करती है अप टू 6 मंथ। अगर 6 महीना तक आप बीमार पड़े हैं, बेड में लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, आप बीमार हैं, तब भी आपका जो सैलरी मिल रहा था प्रेजेंटली, वही सैलरी आपको गवर्नमेंट मुहैया कराती है, ठीक है। तो सैलरी के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होता है रोमानिया में। बात करें कौन कौन सा जॉब अवेलेबल रहता है, तो अभी रोमानिया में फिलहाल क्या हुआ, जैसे ही रोमानिया जो है शेंजन में आया, तो यहाँ से बहुत लोग हैं बहुत अलग अलग मतलब यूरोपियन कंट्री में मूव हो गए, तो यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और आपके लिए भी रोमानिया एक बेहतरीन कंट्री इसलिए है ताकि यहाँ आपको आसानी से जॉब मिल सकता है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, वीजा मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि आप अदर कंट्री में जाते हैं यूरोप का, तो वहाँ पर वीजा मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन बात करें रोमानिया का, तो रोमानिया में आपका वीजा आसानी से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। कई लोगों का क्वेश्चन था सर ये प्रोबेशन क्या होता है, तो देखिए प्रोबेशन ये होता है जब भी आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक लिमिट दिया जाता है, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। हालांकि ट्रेनिंग मतलब आपको ऑब्जर्वेशन में लगाया जा सकता है, ठीक है, कि आप कैसे काम कर रहे हैं क्या है। तो जैसे इंडिया में कोई कंपनी 30 दिन देता है, कोई 60 दिन देता है, कोई 90 डेज देता है, ठीक है। जब मैं जॉब करता था तो 90 डेज था, मेरा 2-3 कंपनी मैंने काम किया, सभी जगह 90 डेज था। इसी तरह रोमानिया में भी आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्तों, वो 90 डेज होता है।
90 दिन का प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगर आपने अच्छा काम किया, सब कुछ सही किया, तभी जाके आपका जॉब को कन्फर्मेशन दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, आपको 90 दिन सतर्कता से काम करना चाहिए, कोई प्रकार कोई गलत काम नहीं करना है, हालांकि बातें भी नहीं करना है, बट 90 दिन तो आपको एकदम मस्त रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं नोटिस पीरियड। अगर आपको नौकरी छोड़ना है, जैसे आपका गल्फ में है, सऊदी में है, ठीक है, अगर आप वहाँ नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने का पेनाल्टी पे करना पड़ता है। जो सैलरी आप ले रहे हैं महीने का, वही सैलरी आपको रिबैक करना पड़ता है, पे बैक करना पड़ता है कंपनी को, मिनिमम 3 महीने का, ठीक है, ये गल्फ का रूल है। लेकिन यहाँ पर रोमानिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शेंजन में आता है, यूरोप में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है, हालांकि आपको 20 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। अगर कंपनी ने आपको निकाल दिया अपने तरफ से, आपने कोई गलती किया, तब भी आपको कोई प्रकार का पेनाल्टी देने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ भी TRC कार्ड मिलता है। TRC कार्ड मिलने के बाद दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगा। यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें, जैसे यूरोप में वैसे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जैसे गल्फ में होता है 2 साल का, यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई कंपनी चाहे तो आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है, आप उनके साथ 2 साल तक मिनिमम काम करें। लेकिन मैं तो हर समय सजेस्ट करता हूँ कि भाई आपको कम से कम, चाहे यूरोप में कोई से भी देश जाएं, 1 साल तो आपको मिनिमम काम करना ही चाहिए, चाहे किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, कोई भी काम में आप जा रहे हो। अब आपने थंबनेल में देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, फ्री वीजा। फ्री वीजा क्या होता है? देखिए, हर एक कंट्री में आपको फ्री वीजा मिल सकता है, बशर्ते आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप किसी एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो वीजा फ्री नहीं मिलता है, एजेंसी आपको चार्ज करेगी। ये डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर, कोई 3 लाख चार्ज किया, कोई 4 लाख चार्ज किया, कोई 5 लाख चार्ज किया, कोई 7, कोई 8, वो डिपेंड करता है। हर एक कंट्री का अलग अलग चार्जेस होते हैं, हर एक प्रोसेस का अलग अलग चार्जेस होता है, तो वो डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर, एजेंसी आपको ऐसे चार्ज करता है। लेकिन अगर वो फ्री में जाना है, जो मैंने फ्री वीजा लिखा है थंबनेल में, फ्री वीजा इसलिए लिखा है अगर आप मेहनती हैं, अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो आपको फ्री में वीजा मिल सकता है, यानी कि पूरा प्रोसेस आप फ्री में करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के लिए, यानी कि रोमानिया में जॉब लेने के लिए, ना तो आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की जरूरत है, जैसे IELTS, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एज ग्रुप, मैंने एज, नो एज लिमिट भी लिखा है, तो बहुत लोगों का डाउट होगा, आप तो सर बोलते हैं कि यूरोप में 40 साल 45 साल के बाद नहीं लिया जाता, तो हाँ बिल्कुल यहाँ भी वही रूल है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल कर रखे हैं, आपके पास ज़्यादा स्किल्स है, तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी आपको एज बार को हटा देते हैं। लेकिन जनरली देखा जाए तो 40 साल के ऊपर को यहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, मतलब यूरोपियन कंट्री का, लेते नहीं हैं। गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 40 साल हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो कंट्री वालों ने, जो कंट्री का जो कंपनीज होते हैं वो अपना मतलब रूल्स रेगुलेशन निर्धारित करते हैं अपना कंपनी के लिए, ठीक है। एजुकेशन की बात करें कि कितना पढ़ाई लिखाई चाहिए, तो हर एक काम का अलग अलग एजुकेशन रिक्वायरमेंट होता है। तो जब भी आपके पास कोई नौकरी आती है तो वहाँ पर कन्फर्मेशन दिया जाता है JD में, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका काम क्या होना चाहिए, आप कितने घंटा काम करेंगे, आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है दोस्तों। तो जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है आप डायरेक्टली कंपनी अप्लाई कर रहे हैं, इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपको एक कंपनी के थ्रू या कोई कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों समय आपको ध्यान से देख लेना है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं और क्या क्या उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या उनका क्राइटेरिया है। अब बात करें खर्चा कितना होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही पूछना होता है कि खर्चा कितना होता है रोमानिया जाने के लिए। तो पहले बता दूं, मैं पहले ना 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चा हुआ करता था, तब भी मैंने कहा था कि भाई रोमानिया चले जाओ यार, आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन लोग मानते नहीं थे। जब ये चीज़ मैंने बताया कि रोमानिया अब शेंजन में आने वाला है, ठीक है, रेट बढ़ने वाला है, तब भी लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन कुछ लोग गए। अब जब शेंजन में आ चुका है तो रेट बढ़ चुका है, पहले 1.5-2 लाख था, फिर 3 से 4 लाख हुआ, अब तो 5 से 6 लाख भी हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में 7 लाख भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा डिमांड्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि लोगों को अभी कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज़ में वीज़ा मिलने से रहा, ठीक है। क्रोएशिया, माल्टा भी अब स्ट्रिक्ट करते जा रहा है, क्योंकि उनको अब स्किल कार्ड चाहिए, ये कार्ड, दुनिया मतलब बहुत सारे अब लफड़ा है, इतना आसानी से वीज़ा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब बच गया रोमानिया और बुल्गारिया। तो ये दो कंट्रीज़ में अगर आपको जाना है दोस्तों, तो फटाफट तैयारी कर लीजिए और समय को बिना बर्बाद किए, ठीक है। अगर आपका सपना है यूरोपियन कंट्री में, शेंजन में जाने का, तो बुल्गारिया और रोमानिया जो है, ये दो कंट्री आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। फटाफट निकल जाइए, यहाँ पर जाकर सेट हो जाइए, और यहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद दूसरा कंट्री मूव करने का तैयारी कीजिए, ठीक है, तुरंत नहीं, समझ गए ना। हालांकि आप लोग समझदार हैं, आपको क्या करना है समझ में आ गया होगा, मैंने इशारा दे दिया है, बाकी काम आपका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर आज का हमारा वीडियो, हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहले बार आए हैं हमारे चैनल में, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।